मोदी सरकार के सर पर जंगी जनून सवार, भारत रूस से लड़ाका तैयारी और जदीद मिसाइल खरीदेगा। नई दिल्ली ने 2 अरब 43 करोड़ डॉलर्स लागत के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। भारतीय हुकूमत ने 33 रूसी लड़ाका तैयारों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है, जिनमें 21 मैग 29 और एक दर्जन SU-30 जेट तैयारे शामिल हैं। इसके अलावा 69 तैयारों को अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि मंसूबे पर मजमूई तौर पर 2 अरब 43 करोड़ डॉलर्स की लागत आएगी। भारतीय वजारत दिफा ने रूस में तैयार होने वाले हवा से मार करने वाले मिसाइलों A2 एयर मिसाइल की खरीदारी की भी मंजूरी दी है। इस हवाले से दिफा तजियाकार राहुल बेदी कहते हैं कि रूसी तैयारों के उसूल से भारतीय फजाइया के जंगी स्क्वाडन की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा है कि 21 मैग 29 तैयारे इस्तेमाल शुदा होंगे, जिन्हें रूस में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि SU-30 MKI भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइसेंस के तहत तैयार किए जाएंगे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुज़श्ता माह मॉस्को के दौरे में रूसी जंगी तैयारों की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने पर जोर दिया था, और ये मंजूरी ऐसे वक्त पर दी गई थी जब चीन और भारत मगरबी हिमालय में मुतनाज़े सरहदी इलाके लद्दाख में आमने सामने हैं। और चीन की जानब से अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में भारत ने अपने फौजियों की तादाद भी बढ़ा दी है। भारत के पास निस्फ से ज्यादा अस्करी साजो सामान रूसी साख्ता है, जबकि नई दिल्ली ने गुज़श्ता कई दहाइयों में हाईटेक हथियारों के लिए अमरीका और इसराइल का रुख भी किया है।